आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले खबर बिजावर से है। 3 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिरी है, ये बड़ी खबर बिजावर से बता दे। 3 साल की मासूम खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई, तो खेलते समय खुले बोरवेल में गिरी है मासूम नैन्सी विश्वकर्मा, बच्ची का नाम बताया जा रहा है। 30 फीट गहरे बोर में फंसे होने की आशंका है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, बिजावर थाना क्षेत्र के ग्राम ललगुवा पाली का ये मामला, ये बड़ी खबर छतरपुर से बता दे। छतरपुर के बिजावर थाना क्षेत्र के ग्राम ललगुवा पाली में एक्सक्लूसिव तस्वीरें बसल्यूज पर आप देख रहे हैं। बच्ची को बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौके पर पुलिस के कई अधिकारी मौजूद हैं। खेलते समय बच्ची बोरवेल में गिरी है। संवाददाता इनायत खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इनायत, क्या कुछ अपडेट है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू लगातार जारी है, जैसा कि आप यहां पे पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और कलेक्टर संदीप जी आर मौके पर पहुंच गए हैं, और दोनों अधिकारियों के पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन के वर्क में थोड़ी तेजी आई है। लगातार जो ये रास्ते में जो प्रशासनिक टीमें आ रही हैं, उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था दुर्गम रास्ते की वजह से, उस रास्ते को भी सुधारा जा रहा है। लगातार 4 से 6 मशीनें इस कार में जुटी हुई है और लगातार बच्ची की मॉनिटरिंग की जा रही है। बच्ची के पिता लगातार उसको बोर में टॉर्च डाल के लगातार उससे बात कर रहे हैं जी। बच्ची 30 फीट की गहराई पे फंसी हुई है जी। जी इनायत, बच्ची के मूवमेंट को लेकर क्या खबर है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि टॉर्च के माध्यम से बच्ची को देखने की कोशिश की जा रही है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, बच्ची की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बच्ची जो पिता उससे बात कर रहा है तो बच्ची वहां से रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन चूंकि वो बोर का जो एरिया है वहां पे सील्ड कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बच्ची का पिता और पुलिस के एक दो अधिकारी ही वहां पे मौजूद है, तो अभी तक जो लगातार जानकारी है कि बच्ची उसकी रिस्पॉन्स दे रही है पिता को, जो वो बात करता है टॉर्च से रोशनी की वजह से वो लगातार संपर्क में है जी। बिल्कुल इनायत, अच्छी बात है कि बच्ची भी रिस्पॉन्स कर रही है। हम जानना चाहेंगे मौके पर कितनी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, और साथ ही साथ जो बचाव कार्य के लिए टीम पहुंची है मौके पर कौन कौन मौजूद है? मौके पर बिजार अनुभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और जिला प्रशासन की ओर से भी सारे अधिकारी यहां पे पहुंच चुके हैं, और रेस्क्यू लगातार जारी है और जो मशीनों से खुदाई का काम चल रहा है उसमें भी तेजी आई है। 3 से 4 मशीनें यहां पे काम कर रही हैं और लगातार जो मिट्टी को यहां से हटाने का काम है उसमें लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं और काम तेजी से चल रहा है जी। बिल्कुल इनायत, अपडेट पहुंचाते रहेगा, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है, और लगातार बच्चे से संपर्क बनाने की कोशिश भी की जा रही है।